यस माय डियर स्टूडेंट, तो हम लोगों ने अभी मेरे पिछले लेक्चर में मैंने आपको हेलो एरिन और हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन पर मैं डिस्कशन किया था, है ना। अब हम देखते हैं अगला चैप्टर। मैंने कुछ टॉपिक उठाया, मैं टॉपिक पे बात कर रहा हूँ अभी बेसिकली आप लोगों से, तो हम लोग समझते हैं कि क्या चीज़ है, ठीक है। अब अपन एल्कोहल, फिनॉल, ईथर एक पार्ट है हमारा चैप्टर है, तो उसमें हम एल्कोहल को देखते हैं कि एल्कोहल का उसमें क्या क्या उसकी मेथड से किसे इसको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में अपन बात करते हैं। चलिए एल्कोहल, सबसे पहले एल्कोहल होता क्या है, किससे वर्क करता भी है। तो ये OH ग्रुप जिसके अंदर भी आपका फंक्शनल ग्रुप OH जिसके अंदर भी अटैच होता है वो आपका क्या कहलाएगा बेटा, एल्कोहल। लाइक CH3OH, ये हो गया मिथाइल एल्कोहल, ये इथाइल एल्कोहल हो जाएगा, CH3CH2OH। ये OH ग्रुप आके किससे, एल्काइल चेन या एल्काइल ग्रुप से आके अटैच हो रहा है तो ये आपका क्या कहलाएगा बेटा, एल्कोहल। इसी तरीके से डिग्री एल्कोहल में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए अपन लोग डिग्री एल्कोहल क्या चीज़ होती है या डिग्री क्या है, है ना। देखिए RCH2OH है ना, देखिए ये कार्बन, इस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो ये वाला कार्बन बेटा आपका हो गया डिग्री कार्बन, है ना। ये कार्बन आपका हो गया डिग्री कार्बन, और डिग्री कार्बन से जितने एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं वो उसकी डिग्री कहलाती है। कितने एल्काइल ग्रुप अटैच है, आर इज योर एल्काइल ग्रुप ना भैया, सो कितने एल्काइल ग्रुप है, एक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल। ये 1 डिग्री एल्कोहल हो गया, है ना। ऐसे अगर अपन देखें 2 डिग्री एल्कोहल, तो ये आर, आर ये कार्बन है ना, ये सी एच और उससे जुड़ा हुआ ये ओ एच, ये ओ एच फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है और इससे जुड़े हुए हैं 2 एल्काइल ग्रुप, तो ये कितना हो गया, 9 डिग्री एल्कोहल। अगर अपन 3 डिग्री की बात करें तो 1, 2 एंड 3, ये 3 डिग्री की बात करें तो ये 3 डिग्री एल्कोहल में हो गया। ये डिग्री कार्बन, डिग्री कार्बन से 1, 2 और 3 पार्ट जुड़े हुए हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 डिग्री एल्कोहल, अपन इसको इजीली बोल सकते हैं। चलिए अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट बात करें इसके बारे में, और अगर मोर ऑन दिस तो इनकी डिस्टिंग्विशन कैसे किया जाता है एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन आता है बहुत बढ़िया। इसके ऊपर कोई ना कोई एक ट्रिक क्वेश्चन वो लोग जरूर हमको देते हैं कि इसकी रिएक्शन किस तरीके से होगी, किस तरीके से रिएक्शन फॉलो करेगा, तो हम लोग देख लेते हैं। नाउ बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारे टेस्ट में पहला टेस्ट लुकास टेस्ट होता है, लुकास टेस्ट, ठीक है। आपका दूसरा विक्टर में टेस्ट होता है, उसके बीच में से कोई कोई रिएक्शन आती है, और तीसरा कॉपर के साथ में 300 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कि वो कितने देता है, तो वो भी एक आपका अच्छा टॉपिक है, उसको भी अपन देख सकते हैं। नाउ अभी हम समझते हैं रिएक्शन के किस तरीके से आपको ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। चलिए फर्स्ट लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट में हम देखते हैं कि इसको लुकास टेस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर हम एक रिएजेंट यूज़ करते हैं, हिंदी उसको अभिकर्मक बोलते हैं। क्या रिएजेंट है, है ना, रिएजेंट है आपका लुकास रिएजेंट कहलाता है, कंसंट्रेटेड HCl, है ना, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो ये तो आपका हो गया बेटा रिएजेंट, इस रिएजेंट की प्रेजेंस में आपका ये जो लुकास टेस्ट है ये कंप्लीट होगा, है ना। चलिए नाउ 1 डिग्री एल्कोहल की केस में अगर अपन देखें 1 डिग्री में क्या होगा, तो RCH2OH, है ना, इसकी रिएक्शन अगर अपन कराते हैं किससे, वही हम ले लेते हैं, कंसंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रस जिंक क्लोराइड, इसकी प्रेजेंस में अगर अपन रिएक्शन करवाएं इसकी तो ये क्या देगा, नो रिएक्शन, समझ रहे हैं आप, नो रिएक्शन मिल रही है एट रूम टेम्परेचर, किस पर बेटा, एट रूम टेम्परेचर ये नो रिएक्शन दे रहा है। अगर कोई रिएक्शन नहीं होती है रूम टेम्परेचर पे इसके साथ में, तो ये आपका क्या कंफर्म करेगा, दैट कंफर्म्स, दैट रिवील्स दैट इट इज़ 1 डिग्री एल्कोहल। अब अपन सेकंड की बात करें, अगर अपन 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल में हमको क्या देगा, CHOH 2 डिग्री एल्कोहल हमने लिया, इसकी रिएक्शन सेम लुकास रिएजेंट इसके साथ में करेंगे। टेस्ट का मतलब है कि रिएजेंट सबके साथ में एक, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लिया उसके साथ में सेम रिएजेंट डाला तो क्या क्या अलग अलग ऑब्जर्वेशन आएंगे, दैट ऑब्जर्वेशन रिवील्स 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ में अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं, है ना, तो ये क्या देगा बट आफ्टर फाइव मिनट इट गिव्स रिएक्शन, है ना, 5 मिनट के बाद में रिएक्शन देगा, तो ये रिएक्शन क्या दे रहा है बेटा,
RRCHCL ये बना रहा है, ये क्या बना रहा है RRCH, और ये जो CL है ये यहाँ आके जुड़ जाएगा और H2O जो है आपका ये बाद में पानी बाहर हो जाएगा, जल्दी तो निकलते ही है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। चलिए नाउ अब अगर अपन 3 डिग्री की बात करें, 1, 2 और 3 आर आर है ना, सी और ओ एच, ठीक क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड एच सी एल है ना, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है। इसके प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हम देखेंगे तो 1, 2, 3 1, 2 एंड 3, देखिए आप क्या होगा, ये सी और सी एल दे देगा। लेकिन इसके साथ में एक चीज़ है, इसने क्या 5 मिनट के बाद में दी, इसने कोई रिएक्शन नहीं दी, और ये क्या एट ए टाइम, जैसे ही हमने ये रिएक्शन स्टार्ट की, व्हेन वी आर स्टार्टिंग द रिएक्शन एट ए टाइम, उसने क्या दे दिया आपको, ये कंपाउंड दे दिया है ना, H2O के साथ में, जल देता के साथ। तो ये 3 चीज़ है आपकी, दैट इज़ योर लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट के लिए हमने क्या किया, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री लिया। 1 डिग्री आपका ये है, क्या दिया इसने, नो रिएक्शन। 2 डिग्री ने 5 मिनट के बाद में रिएक्शन दी, और 3 डिग्री ने हाथों हाथ रिएक्शन दे दी। ये आपका था बेटा लुकास टेस्ट। अब हम बढ़ते हैं आगे दूसरे टेस्ट की ओर, कि दूसरा टेस्ट क्या है, ठीक है। चलिए दूसरा टेस्ट है बेटा के, अगर फर्स्ट वाला हम ले CH3CH2OH है ना, ठीक है, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस, कितने कॉपर लिया हमने, कितने पर बेटा 300 डिग्री अगर सेल्सियस अपन लेते हैं, तो ये क्या रिएक्शन देगा, ये क्या अपने को प्रोबेबिलिटी मिल सकती है उसको हम देखें। तो इसमें देखना, जब इसको करेंगे तो हम ये क्या देगा आपको, एल्डिहाइड देगा इसका अगला एल्डिहाइड, मतलब देखो एक एल्डिहाइड में एक ये कार्बन यूज होगा CHO है ना, यहाँ से H2 जो है ये बाहर हो जाएगा, तो CHO H2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। देखिए हम लोग ये CH3 है ना, ये C है ना, देखना आप H2 बाहर होगा, बचेगा CHO, दैट इज योर एथेनल, क्या बोलेंगे इसको अपन, एथेनल, इसका नाम हो जाएगा एथेनल। ओके ये कंपाउंड हमको मिल गया, एल्डिहाइड मिला, क्या मिला है हमें, एल्डिहाइड हमको मिला है यहाँ से। देखिए अब 2 डिग्री की अगर मैं बात करता हूँ तो 2 डिग्री में क्या होगा, 2 डिग्री के लिए यहाँ पे अपन ने CH3 रखा, यहाँ पे अपन ने CH3, इसमें क्या ये H2 भी निकाल देना। ओके चलिए CH3 लिया, ये CH लिया और ये OH लिया। नाउ अगेन इन सेम कंडीशन, सब में सेम होना चाहिए, कंडीशन सेम होगी तभी अपन लोग डिस्टिंग्विशन कर पाएंगे, अदरवाइज वी विल नॉट डिस्टिंग्विश इट। देखिए CH3 CH3 तो ये बिल्कुल सेम है, क्या निकालना है अपने को, H2 निकालना है, देखो ध्यान दो क्या निकालना है अपने को, H2 निकालना है, एक एच ये और एक एच ये दोनों निकल गए यहाँ से, तो यहाँ क्या बचा, सी और ओ बचा है, यहाँ 2 बॉन्ड हो गए, ये 2 बॉन्ड हो गए, देखो ये कार्बन के साथ 2 बॉन्ड हो गए, अब केवल क्या बच रहा है, ओ, तो ये डबल बॉन्ड ओ बेटा, ये तो कीटोन है, दैट इज योर एसीटोन, इसका कॉमन नेम क्या है, एसीटोन नाम है इसका, कॉमन नेम एसीटोन है, ठीक। ये देखो ये मिल गया आपको, एक ने दी, इसने 1 डिग्री ने आपको क्या दिया बेटा, 1 डिग्री गिव्स एल्डिहाइड एंड 2 डिग्री गिव्स कीटोन। अब अपन आप बात करते हैं अगर 3 डिग्री की, तो 3 डिग्री भी इनमें से कुछ देना चाहिए, लेकिन 3 डिग्री इनमें से ये नहीं देगा। अब क्यों नहीं देगा, कि देखो यहाँ पर क्या निकल रहा है, साथ में H2 निकल रही है बेटा, ठीक है H2 निकल रही है। अब देखना कि इसने वो चीज़ क्यों नहीं दी जो ये दोनों दे रहे हैं ना, आप लोग वीडियो पॉज करके और उतार सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, है ना। चलिए देखें कि 3 डिग्री में ऐसा क्या है कि उसने ये रिएक्शन न दे के दूसरी चीज़ दी, और क्या दी, ये देगा बेटा एल्कीन, क्या देगा एल्कीन, थोड़ा सोचो कि एल्कीन कैसे मिलेगा इसके अंदर, है ना, सोचते हम लोग कि एल्कीन अपन इसके अंदर कैसे मिलेगा, मतलब डबल बॉन्ड आएगा कहीं ना कहीं, अब कैसे आएगा डबल बॉन्ड उसको हम लोग समझते हैं, COH, ठीक यहाँ पर एक एच और होना चाहिए था लेकिन नहीं है, ठीक है हम लोग कोशिश करते हैं निकालने की। वही कॉपर लिया 300 डिग्री सेल्सियस, देखें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इन तीनों में से कोई एक CH3, इन तीनों में से कोई एक CH3 जो है वो बलिदान देगा, क्या देगा बेटा, बलिदान देगा, सेक्रीफाइस करेगा खुद का, कि जाओ भैया एक एच में से ले जाओ और पानी बाहर निकाल दो, क्या निकाल दो, पानी बाहर निकाल दो, तो पानी बाहर निकल के ये OH भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा। अब क्या बचा, ये CH, इसने एक एच दे दिया, क्या बच गया यहाँ पर हमारे पास,
CH2, तो ये तो बोल रहा है यार भाई साहब मैं अकेला हो गया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो बोले कि यहाँ पे ये कार्बन भी तो था। बोले हाँ लिखो ना भाई साहब, ये कार्बन लिखा, ये कार्बन कितना बोलता है कि मेरे पास कितनी चाहिए, दो और चाहिए। इसको बोलता है कि भाई साहब मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे को भी दो चाहिए। ये काम खत्म हो गया है, डबल बॉन्ड बन गया, या बन गया आपका एल्कीन, जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये बन गया आपका एल्कीन। ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2-मिथाइल प्रोप 1-ईन, है ना, ये 2-मिथाइल हो जाएगा। इस तरीके से कंपाउंड अगर अपन देखें तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ये 1-2-3, तो ये 2-मिथाइल प्रोप 1-ईन, है ना। यहाँ से देख लेंगे इसको, प्रोप 1-ईन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन डिस्टिंग्विशन इजीली कर सकते हैं। अब मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा, तो बने रहिए आप अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ में। ओके, थैंक यू।